डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन टॉपिक चल रहा था अपना फिनोल की अम्लीयता के कारण, दो रीजन पढ़ चुके थे, थर्ड रीजन में आज बात करेंगे फिनोल की अम्लीयता के कारणों में कि फिनोल के आयनन से फिनोल है, इस फिनोल का क्या हो जाए, यहां से आयनन हो जाए, आयनन फिनोल के आयनन से यहां से क्या बनता है, फिनोक्साइड आयनन होगा, तो ये आयनों के रूप में टूट जाएगा। किस प्रकार से टूटेगा, यहां पे O पे क्या आएगा माइनस और यहां पे H पे क्या आएगा प्लस। ऑक्सीजन पर जब माइनस आता है तो इसका नाम होता है फिनोक्साइड आयन। कौन सा आयन बनता है यहां से, फिनोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन बोल दूं या प्रोटोनियम आयन कह सकता हूं। हाइड्रोजन आयन इन फिनोल के आयनन से फिनोक्साइड आयन बनता है। अब ये फिनोक्साइड जो आयन बनता है, फिनोक्साइड आयन में यहां पे क्या जनरेट हो जाता है, अनुनाद उपस्थित हो जाता है O माइनस, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में क्या होता है, अनुनाद। फिनोक्साइड आयन में अनुनाद उपस्थित होने के कारण ये जो इसकी जो संरचना होती है, अनुनादी संरचनाएं होती है, वो ज्यादा स्थायी होती है। ज्यादा स्थायी किस प्रकार से होती है, जैसे फिनोक्साइड बना इसमें क्या उत्पन्न होने लग जाएगा, अनुनाद, क्योंकि द्विबंध का संयुग्मन किसके साथ है, ऋणात्मक आवेश के साथ, तुरंत इसमें क्या होगा रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाएगा। देखो फर्स्ट अनुनादी संरचना क्या बन जाएगी, यहाँ पे माइनस, इन दोनों के बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट हो जाएगा। फिर देखो द्विबंध का संयुग्मन किसके साथ है, ऋणात्मक आवेश के साथ, फिर अनुनाद होगा, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट बन जाएगी अनुनादी संरचना ये वाली, यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड, और फिर द्विबंध का संयुग्मन ऋणात्मक आवेश के साथ है, अनुनाद हो जाएगा, ये बॉन्ड या के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ये वाला यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ऋणात्मक आवेश का संयुग्मन फिर डबल बॉन्ड के साथ है तो रेजोनेंस होगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा O माइनस। तो ये फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना है, ये तीनों क्या बनती है, देखो जैसे टारगेट मॉलिक्यूल तो वैसा का वैसा बन गया, तो ये क्या कहलाएंगे आपकी फिनोक्साइड आयन की, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना है, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। तो अब फिनोक्साइड आयन की जो अनुनादी संरचना है उसमें देखो ऋणावेश जो है वो कहां पे, ऑर्थो पे, यहाँ पे क्या है पैरा पे, फिर कहां पे आए वापस, देखो जैसे ही आपने अनुनादी संरचना की, यहाँ पे क्या है ऑर्थो पे है नेगेटिव चार्ज, फिर कहां पे आए पैरा पे, फिर कहां पे ऑर्थो पे, यानी कि अनुनाद जो प्रभाव होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, अनुनाद जो होता है, अनुनाद क्या होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, निर्देशकारी होता है ऑर्थो पैरा, यानी अनुनाद में जब भी प्लस आवेश या माइनस आवेश की बात की जाए तो कौन सी पोजीशन पे आता है ऑर्थो और पैरा पे आता है। जैसे ही आपने अनुनाद करवाया किसी भी, या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाए फिर नेगेटिव चार्ज, यानी प्लस आर और माइनस आर दोनों ही प्रकार के जो इफेक्ट है, तो यानी अनुनाद कैसा हो प्रभाव प्रभावकारी समूह होता है ऑर्थो पैरा प्रभावकारी समूह होता है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, जब भी आएगा प्लस और माइनस हमेशा ऑर्थो पैरा पे ही आएगा। तो ये है आपकी फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना जिसमें केवल डिलोकलाइजेशन विस्थानीकरण, देखो पाई इलेक्ट्रॉन का जो विस्थानीकरण हो रहा है केवल किसके रूप में हो रहा है ऋण आवेश के रूप में होता है, आवेश का कोई पृथक्करण नहीं होता है, यानी फिनोक्साइड आयन में प्लस और माइनस जो आवेश है उनका पृथक्करण नहीं होता है। तो यानी कि ध्यान क्या रखना है,
कि फिनोल के आयनन से क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है। इस फिनोक्साइड आयन में क्या उपस्थित होता है, अनुनाद उपस्थित होता है। अनुनाद उपस्थित होने के कारण इसकी जो अनुनादी संरचनाएं होती है वो ज्यादा स्थायी होती है। अब ज्यादा स्थायी होने का कारण क्या है, क्योंकि इनकी अनुनादी जो संरचनाएं हैं इनमें केवल ऋणावेश का विस्तारीकरण होता है, आवेश का पृथक्करण नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टार पॉइंट से ध्यान रखना है, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश का केवल ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है, विस्थानीकरण डीलोकलाइजेशन बोलते हैं, विस्थानीकरण होता है, आवेश का पृथक्करण नहीं होता है, आवेश का पृथक्करण नहीं होता है। जबकि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण होता है। तो ये है कि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश का विस्तारीकरण होता है, आवेश का पृथक्करण नहीं होता है। जबकि फिनोल की अनुनादी संरचना जब आपने बनाई तो उसमें आवेश का पृथक्करण हुआ था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आया था और नेगेटिव चार्ज भी था। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना आने के कारण क्या, ओनली फॉर कौन डीलोकलाइज हो रहा है, वहां पे ऋणावेश, यानी कि ऋणावेश का विस्तारीकरण होता है, आवेश का पृथक्करण नहीं होता। अब यहाँ पे नेक्स्ट बिंदु में बात करेंगे फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अब फिनोल की जो अम्लीयता है उस पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव किस प्रकार से होता है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अब देखो दो तरीके से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति। पहली बात करें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति, फिनोल है OH, फिनोल जो है फिनोल में इस बेंजीन रिंग की ऑर्थो, फिनोल है फिनोल की ये जो रिंग है वो कौन सी है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, फिनोल में बेंजीन रिंग पर कौन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, बेंजीन रिंग पर कौन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के रूप में मैंने यहां पे कौन जोड़ा, एनओ टू नाइट्रो समूह। एग्जाम्पल के रूप में यहां पे कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, एनओ टू समूह, यानी माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह करो माइनस आई प्रभाव समूह, जैसे एनओ टू समूह। फिनोल में बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2 समूह जुड़ा हुआ है। अब ये NO2 समूह क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये H प्लस जो है वो आसानी से बाहर निकलेगा, एस आसानी से बाहर निकलेगा, तो इसकी जो एसिडिटी अम्लीयता है उसका मान बढ़ जाता है, अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अम्लीयता बढ़ जाती। जब ये जो समूह है NO2 जो समूह है
औरतों पैरा स्थिति पर, औरतों और पैरा स्थितियों पर इनका जो प्रभाव है वो अधिक प्रभावी होता है। ये जो समूह होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं वो औरतों पैरा स्थितियों पर अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि फिनोल में एच प्लस आयन के त्यागने से फिनोक्साइड आयन बनता है जिसमें ऋणावेश का विस्थानीकरण अधिक प्रभावी होता है, और NO2 जो समूह है वो फिनोक्साइड आयन बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। NO2 समूह फिनोक्साइड आयन बनाने में सहायक होता है, फिनोक्साइड आयन बनाने में, आयन बनाने में सहायक होता है। NO2 समूह फिनोक्साइड आयन बनाने में सहायक होता है। तो पहला पॉइंट यही कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह फिनोल में बेंजीन वलय पर, बेंजीन रिंग पर कौन इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जैसे NO2 समूह माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है तो अम्लीयता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब ये समूह किस पर उपस्थित होता है, ऑर्थो और पैरा पे उपस्थित होता है तो वो अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि NO2 जो समूह है वो फिनोक्साइड आयन बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। फिनोक्साइड आयन बनने के कारण इसमें जो ऋणावेश का जो विस्थानीकरण है वो ऑर्थो पैरा स्थितियों पर ज्यादा प्रभावी होता है। इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति, जी नेक्स्ट टॉपिक में पड़ेगी। अब इसमें भी देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, नंबर टू में देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति, अब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह का मतलब है कि फिनोल है, इस फिनोल में बेंजीन वलय पर, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी के रूप में मैंने यहां पे कौन जोड़ दिया, CH3 प्लस आई प्रभाव समूह, प्लस आई प्रभाव समूह या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, ये इसको प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, दे बेंजीन रिंग, देखो यहां से बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो खींचने में ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, खींचने में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो H प्लस आयन को थोड़ा सा क्या मिलेगा, सपोर्ट, बजाय H प्लस फास्ट निकलने के बाद थोड़ा सा कम निकलेगा, जैसे माइनस प्लस आई प्रभाव वाले, माइनस आई प्रभाव वाले समूह की तुलना में। तो यहाँ पे फिनोल में बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, जैसे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो इसकी जो अम्लीयता है उसका मान कम हो जाता है, क्योंकि ये जो एल्किल समूह है वो फिनोक्साइड आयन बनाने में सहायक नहीं होता है। तो ये है फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी है।